महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे आज नागपुर के दौरे पर है। टोपे ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख से भेंट की और नागपुर के काटोल नरखेड़ निर्वाचन क्षेत्र में राकांपा पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख ने कहा कि नागपुर में रोजाना डायलिसिस के लिए आने वाले कम से कम 100 लोगों के लिए काटोल में डायलिसिस सेंटर खोलने की जरूरत है, ऐसा आदेश उन्होंने दिया। आणि अनिल बाबूंची माझी व्यक्तिगत खूप घनिष्ठ संबंध पहिल्यापासून राहिलेले आहेत, फॅमिली रिलेशन आहे, आणि कुठल्याही परिस्थितीत मला असं वाटतं की त्यांच्या ॲक्सेसमध्ये अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।